स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उसके तहत केंद्र में जो रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है, सेंटर में जो रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है, स्टेट में यानी राज्यों में वही रोल चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री पद का उल्लेख, जैसा कि आप सबको जो है पता है, मैं पिछले क्लास में भी जो है इस पर चर्चा भी किया था कि जिस प्रकार से जो है केंद्र में पार्लियामेंट होती है, हमारी संसद होती है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, उसी तरीके से स्टेट जो असेंबली होती है, विधानमंडल होता है, वो किससे किससे मिलकर बनता है, तो विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर। शुरू करें आज के इस सेशन को, इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री या न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लंबा समय कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री या सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाली मुख्यमंत्री, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष या फिर राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जैसे प्रश्नों का हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप बताएं राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई मुख्यमंत्री जब विधायक के रूप में वहां की जनता उसको चुनती है तो उस समय उसका निर्वाचन होता है, विधायक के रूप में उसका निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। जबकि नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, सांसद के रूप में वो निर्वाचित होता है अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता के द्वारा, वयस्क जनता के द्वारा। जबकि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसका नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक वही प्रोसीजर यहां पर होता है। इस तरह से दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप कहेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। आर्टिकल 163 में 163 में जो है राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया आर्टिकल 163 में। और राज्य मंत्री परिषद किससे किससे मिलकर के बनती है, तो आप कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर से, उसके बाद जो है विधानसभा से, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उसके बाद जो है राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, और सबके बाद जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार यानी उपमंत्री होते हैं। इन्हीं से मिलकर के जो है राज्य मंत्री परिषद बनती है, और सीएम के जगह पर पीएम अगर हो गया तो फिर जो है यह संघ मंत्री परिषद कहलाएगी, यानी केंद्र सरकार की मंत्री परिषद कहलाएगी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 163 में जो है किया गया है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति 164 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न को देखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद पद का, मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है कहां पर किया गया है, तो मंत्रिपरिषद यानी जो है राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है 163
165 में सबको पता है महाधिवक्ता पद का उल्लेख हुआ है। किसका? महाधिवक्ता, या इसी को जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। 153 में किसका उल्लेख किया गया है? आप कहेंगे कि गवर्नर का, यानी राज्यपाल का। 153 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं में बहुमत दल का नेता होता है या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प नहीं, तीसरा विकल्प सही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संघारक तथा प्राणदाता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख जो है कहां पर किया गया है? तो आर्टिकल 163 में जो है किया गया है। आर्टिकल 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न को देखिए। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है, मुख्यमंत्री करता है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता हमेशा जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी, और इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसका काम क्या है? राष्ट्रीय विकास, यानी जाहिर सी बात है नाम से ही जो है। और इसके अन्य जो सदस्य होते हैं उसमें कौन होते हैं? तो राज्यों से राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी? उप मुख्यमंत्री का पद पहली बार तो जो है इसका भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह पूरी तरीके से राजनीतिक पद होता है, ठीक वैसे जैसे उप प्रधानमंत्री का पद होता है। इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोई उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहरहाल उप मुख्यमंत्री महिला उप मुख्यमंत्री बनाई गई थी। कौन? जमुना देवी। कौन सी? जमुना देवी, यमुना देवी बनाई गई थी। और यमुना देवी ये बनाई गई थी कब? जो है 1998 में, और कहां पर? मध्य प्रदेश में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प जो है सही है। हाल ही में दिया कुमारी भारत के किस राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं? अगर आप कमेंट करके बता सके तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो जी हाँ, वर्तमान में मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पवन कुमार चामलिंग जी। पवन कुमार चामलिंग ये कहां के मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के। और ये वर्ष 1998 से नहीं 94 से लेकर के 2019 तक ये रहे थे, लगभग 25 वर्ष। उसके बाद नवीन पटनायक, जो कि अभी मुख्यमंत्री पद से जो है उनकी पार्टी हार गई है उड़ीसा में, वो ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़े हैं। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के जो है 23 वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे थे, जबकि नवीन पटनायक जो है 24 वर्ष 98 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? उड़ीसा के।
और लगभग 25 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे कौन, पवन कुमार चामलिंग, लगातार 5 कार्यकाल तक। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और वर्तमान में कौन से हैं, तो नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। तो जो है नीतीश कुमार जो है इस समय चर्चा में है, तो इनको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला जो मैं कह रहा था वही हो गया, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, और ये 1963 से लेकर के 1967 तक जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, और उत्तर प्रदेश की जो है ये कुल चौथी मुख्यमंत्री थी, फोर्थ। बिहार से राबड़ी देवी थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। राजस्थान की पहली जो है वसुंधरा राजे थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिनका नाम शीला दीक्षित था। शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रही थी। कौन? शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित हाँ, शीला दीक्षित, और ये रही थी 15 वर्ष तक। सबसे कम समय तक जानकी रामचंद्रन रही थी। कौन? जानकी रामचंद्रन, और ये रही थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, और सिर्फ रही थी 23 दिन। भारत में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग, और सिर्फ 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे जगदम्बिका पाल। कोई कमेंट करके बताए जगदम्बिका पाल भारत के किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। ओडिशा की प्रथम, नहीं प्रथम होना चाहिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपथी थी, और ये 1972 में बनाई गई थी, 76 लग रही थी, और ये भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। पहली कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की रही थी, और ये दूसरी थी। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित दिल्ली की, और महिलाओं में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था 15 वर्ष का। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम मुस्लिम महिला है अनवरा तैमूर। अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। अनवरा तैमूर जो है 1980 से लेकर के 81 तक जो है असम की मुख्यमंत्री रही थी। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तमिलनाडु में दो दो बार बनी थी जानकी और जयललिता, राजस्थान में वसुंधरा राजे, उत्तर प्रदेश में मायावती, और जो है महाराष्ट्र में कभी कोई नहीं बना है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है, यहाँ कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, 164 में लिखा गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है किया गया है, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 में किया गया है। 167 में इसके जो है कार्यों का उल्लेख किया गया है, इसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और 166 तो जो है इसमें कहा गया कि जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक कार्य करेगा, ये 166 में लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? विधानमंडल किससे मिलकर के बनता है? तो मैंने बताया कि जो है राज्यपाल से, विधानसभा से, विधान परिषद से। जहां विधान परिषद नहीं है वहां सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही मिलकर के जो है विधानमंडल का निर्माण कर देते हैं। मुख्यमंत्री का विधानमंडल के निर्माण में कोई रोल नहीं होता है। विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में किया गया है। किसमें किया गया है? 168 में। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री पद से नहीं है? 63 के तहत मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर के बनती है, तो ये भी सही है। 167 में जो है मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है। 164 में मंत्रिपरिषद के लोगों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 166 में जो है, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, ये
महाधिवक्ता से संबंधित है, अभी बताया था। जब उत्तराखंड राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड राज्य अपने अस्तित्व में आता है कब? तो आप कहेंगे 9 नवंबर वर्ष 2000 को। वर्ष 2000 ईस्वी में तीन राज्य बने थे, मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़, बिहार से बना था झारखंड और उत्तर प्रदेश से बना था उत्तराखंड। तब उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनाए गए थे। हालांकि प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री थे, तो राजनाथ सिंह थे। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% सही है। भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री हुई है? दो बार जो है दिल्ली में हुई, दो बार जो है दो दिल्ली में और दो तमिलनाडु में, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। हाँ, और तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन और एस जयललिता। जानकी रामचंद्रन सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रही थी, शीला दीक्षित सबसे अधिक समय तक। अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा 164 के तहत जो है की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के तहत की जाती है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 में किया गया है। अगला प्रश्न देखें, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाला था, और वो थे जो है कौन? ज्योति बसु। ज्योति बसु, हालांकि ये काम जो है पवन कुमार चामलिंग ने भी जो है किया था। पवन कुमार चामलिंग लगातार जो है 5वीं कार्यकाल में कुछ समय कम रहा, लगभग 24 वर्ष कुछ महीनों तक वो रहे थे, लगभग 25 वर्ष। ज्योति बसु लगभग 23 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अरे भाई, उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख है ही नहीं कहीं। मैंने बताया कि यह बिल्कुल राजनीतिक पद होता है, और उप मुख्यमंत्री जो होता है वो कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री होता है, कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री उसके पास जरूर होती है। तो उस हिसाब से जो है देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति 164 के तहत राज्यपाल करता है, तो उप मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति उसी के तहत जो है की जाएगी, जो ऑप्शन दिया है। अगर नन ऑफ दीज देता तो जो है जाहिर बेहतर बात थी कि जो है उसको हम लोग सही करते कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख कहीं संविधान में है ही नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प सही होगा। सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री इस समय हैं कहां पर? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में थे, हालांकि अब तो वहां मामला बदल गया। आंध्र प्रदेश में जब जगन मोहन रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री थे तो सबसे अधिक उन्होंने 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। के स्टालिन मई 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और आई थिंक ये 8वीं बार बने हैं, ये 7वीं बार कि 8वीं बार, 8वीं बार बने हैं। अंतिम विकल्प सही है। अगला, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पहले नित्यानंदन स्वामी थे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट के जो अभी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं वो ज्यादा पूछे जाएंगे। आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताएं झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय कौन है। निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है, बताने की जरूरत नहीं। नवीन पटनायक थे उड़ीसा में, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर हुआ था विधानसभा चुनाव और इनकी बीजू जनता दल जो पार्टी थी वो हार गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के रहे थे। विप्लव कुमार देव कहाँ के हैं, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2024 से हैं, और वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये किस पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी से, सॉरी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से हैं। आम आदमी पार्टी के जो है वो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और केजरीवाल तो हर कोई जानता है। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? अगर अधिकतम, अगर मंत्रिपरिषद की पूछे कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या जो होगी वो विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। केंद्र में भी यही स्थिति होती है, लोकसभा की जितनी जो है संख्या है
सदस्य संख्या उसी का 15% जो है अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है बनाए जा सकते हैं। तो अधिकतम 82 जो है 82 हो सकते हैं केंद्र में, केंद्र में। राज्यों में चूंकि विधानसभा के अलग अलग जो है सीटें हर जगह अलग अलग हैं, अधिकतम उत्तर प्रदेश की 403 है और सबसे कम राज्यों में सिक्किम की जो है 32 है। लेकिन अब 32 का जो है 15% निकाल देंगे तो जो है हो गई छुट्टी। तो इसीलिए जो छोटे राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 12 होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। अब वहां डजंट मैटर कि वहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर और यहां के मुख्यमंत्री इस समय है प्रमोद सावंत। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, आप कमेंट करके बताएं। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। इन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहिए तो इन नंबरों पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।